जो भगवान नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते करते पूर्ण तादात्म्य भावापन्न हो जाते हैं, ऐसे भक्त आत्माराम, भगवान आत्माराम, उनके भक्त भी आत्माराम और भगवान आप्तकाम और उनके भक्त भी आप्तकाम होते हैं। बाकी संसार में कोई आप्तकाम नहीं है। ऐसे किसी व्यक्ति को, संसार के किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी संसार के व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहने को भले ही कह दे कि हमारी अब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी भीतर बहुत सी कामनाएं भरी हुई हैं। और कामनाओं की स्थिति यह है कि एक कामना पूरी हुई नहीं कि उसी कामना से संबद्ध सैकड़ों कामनाएं लाइन लगा के पंक्तिबद्ध होके खड़ी हैं। अब संसार में सबसे पहली कामना पढ़ने लिखने की होती है। मनुष्यों को हम शिक्षित बने, योग्य बने, ये इच्छा पहली होती है। अब पढ़ाई लिखाई की कामना के साथ फिर दूसरी कामना जुड़ गई कि कक्षा में, विद्यालय में सर्वोच्च अंक हमारे आने चाहिए, प्रथम श्रेणी से भी प्रथम श्रेणी आनी चाहिए। उसके बाद फिर तीसरी कामना जुड़ गई, इतनी मेहनत से पढ़ाई, इतने अच्छे अंक लाए तो बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए। चलो नौकरी भी मिल गई तो कामनाएं पूरी, बोले नहीं अब नौकरी हो गई तो अच्छे रूपवती, कुलवती, शीलवती कन्या से विवाह होना चाहिए। कामना पूरी हो गई, बोले फिर भी पूरी नहीं हुई। अब विवाह हो गया तो फिर संतान होनी चाहिए। अब तो कामना पूरी हो गई, बोले अभी भी नहीं हुई, फिर पौत्र प्रपौत्र होने चाहिए, फिर सबके अलग अलग धंधे होने चाहिए। एक भी कोई कामना लेकर देख लो, उस कामना से सैकड़ों कामनाएं पीछे लगी हुई। इसलिए कामनाएं पूरी उसी की हो सकती हैं जिसने कामना करना ही छोड़ दिया। जिसने कामना करना छोड़ दिया उसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई। और कामनाएं करते हुए कभी कामनाएं पूरी हो नहीं सकती है। कि आपका हृदय वृंदावन बन चुका है, उसमें प्रीति रसधारा यमुना जी निरंतर बह रही हैं, आपके हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति युवा हैं, किंतु यदि आपके हृदय का ज्ञान और आपके हृदय का वैराग्य यदि जर्जर है, वृद्ध है, दुर्बल है, क्षीण है, तो आपका हृदय भले ही वृंदावन बन गया हो, उसमें भले ही किशोरावस्था पन्ना भक्ति विराजमान हो, किंतु आपके हृदय में भक्ति ठहरेगी नहीं। भक्ति ठहरेगी उसी हृदय में जिस हृदय का ज्ञान युवा होगा, जिस हृदय का वैराग्य युवा होगा। इसलिए तात्पर्य इस कथानक का यही है कि संतों का, साधकों का, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले महापुरुषों का ये विशेष कर्तव्य है कि ज्ञान, भक्ति तो युवा होनी ही चाहिए, भक्ति बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, भक्ति तो युवती होनी ही चाहिए, किंतु हमारा ज्ञान और हमारा वैराग्य भी युवा होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य में जब कामना होती है तो ये जर्जर हो जाते हैं, बहुत ऊंची बात है। हमने न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि ग्रंथों को पढ़ा, पर पढ़ते समय यदि हमारी कामना ये है कि हम बहुत अच्छे लच्छेदार प्रवचन करने वाले वक्ता बन जाएं,
या किसी विश्वविद्यालय में व्याकरण वेदांत विभागाध्यक्ष बन जाएं, तो ये कामना तो पूरी हो जाएगी, पर हमारा ज्ञान तो बूढ़ा हो जाएगा, हमारे किसी काम में नहीं आएगा। पेट भरने के काम में तो आ जाएगा और किसी काम में नहीं आएगा। वैराग्य में कामना है कि भाई घर में तो बड़ी परेशानी थी, वहाँ तो मुफ्त में कोई खाने को देता नहीं, कुछ न कुछ काम सबको करना पड़ता, बहुत अच्छा हुआ, यहाँ मठ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ रहो, करना कुछ नहीं पड़ेगा, समय से बाल भोग, समय से राजभोग, समय से ब्यारू, भेंट विदाई ऊपर से, वाह ये बहुत अच्छा है। यदि इस इच्छा से ग्रह त्याग किया है और वेश धारण किया है तो बस इसी में पूर्णता हो जाएगी, वैराग्य तो ठंडा पड़ जाएगा। और ऐसा अनुभव में भी आता है, लोग कहते हैं कि जब घर छोड़ा था उस समय जैसा वैराग्य था वह आज होता तो राम जी मिल गए होते, नहीं मिले राम जी। इसका मतलब वैराग्य पहले उत्पन्न हुआ था, फिर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया वैराग्य। तो कैसे ज्ञान और वैराग्य युवा रहे? अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य है जिन महापुरुषों का। ऐसे महापुरुषों का संग करने से ज्ञान जवान रहेगा और वैराग्य भी जवान रहेगा। वैराग्य से कभी संतुष्ट नहीं होना, हमेशा असंतुष्ट बने रहना। जब हम अपने वैराग्य से संतुष्ट हो जाते हैं तो बूढ़ा होने लग जाता है। हमेशा अपने वैराग्य में न्यूनता दिखाई पड़ेगी, अभी वैराग्य कहाँ है, अभी वैराग्य कहाँ है, अभी वैराग्य कहाँ, तो वैराग्य बढ़ेगा और अब तो हम महान विरक्त तो हो गए, अब तो क्या है, बस घटने लग जाएगा वैराग्य। तो ज्ञान की और वैराग्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रायः होता यह है भक्ति करने वाले लोग ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा कर देते हैं, और जो ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा कर देंगे उनके हृदय में भक्ति रहेगी नहीं। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति का आदर हमें करना है, भक्ति को अपने हृदय में विराजमान करना है। नारद जी ने वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता के अनेक पारायण किए, पाठ किए, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। नारद जी के लिए जितना संभव था सारा प्रयत्न नारद जी ने किया, जब कुछ नहीं हो पाया तो देवर्षि नारद जी ने निराशा नहीं मानी, आशा उनकी लगी रही, उन्होंने कहा कुछ भी हो मैं कठोर तप करके इसका समाधान खोजूंगा, पर खोजूंगा अवश्य समाधान। जब उन्होंने पक्का निश्चय किया तब आकाशवाणी हुई, हे महर्षे, हे देवर्षे, आपका यह उद्यम सफल होगा, बस इसके लिए आवश्यक है कि आप सत्कर्म का अनुष्ठान करो, सत्कर्म का आचरण करो, लगन लग जाए, उत्साह पूर्वक साधक लग जाए तो सिद्धि उसको हो ही जाएगी, इसमें संदेह नहीं। शायद एक वर्ष भी न हुआ होगा, एक लगनशील साधक नई अवस्था का आया, तीव्र गति से नाम जप करने लग गया, राधा कृष्ण के स्वरूप के प्रति उसका बड़ा अनुराग था, तो एक अत्यंत एकांत जगह गिरिराज जी में, और वहाँ बहुत अच्छी ऐसी जगह भी नहीं थी कि रहने योग्य, लेकिन अब जिसको छिपके रहना है भजन करना तो उसको तो कहीं भी जगह मिल जाएगी, तो भजन करने लग गया, तीव्र गति से भजन में लग गया। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, बरसात का समय था महाराज जी, और एक कारी सी बदरिया उसके निकट आई, बदली, जबकि पहाड़ में तो बादल नीचे आ जाते, मैदान में तो नीचे नहीं आते, लेकिन एक बदरी निकट आई और उस बदरी में से पानी बरसने लग गया,
और बरसते हुए पानी के बीच में युगल श्यामा श्याम सामने खड़े थे। स्वप्न नहीं, ध्यान नहीं, खुली आंख से बरसते हुए भीजते हुए राधा कृष्ण का दर्शन उसे प्राप्त हो गया। साल भर भी नहीं हुई इस घटना को, अभी भी वह साधक अच्छी गति से भजन में लगा है। हमारे निवेदन करने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि आप विश्वास कीजिए। नारद जी को आकाशवाणी क्यों ही तुम्हारा साधन सफल होगा, क्योंकि नारद जी ने हार नहीं मानी, उत्साह पूर्वक लगे रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव कथा सुनाते थे, महाराज जी कहते थे दो महात्मा थे, दोनों ही खूब प्रेम से भजन कर रहे थे। श्री नारद जी पधारे तो गंगा जी के किनारे दोनों महात्मा अलग अलग दिशा में रहते थे, थोड़ी दूरी पर। तो एक महात्मा तो बट के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे, बट के पेड़ के नीचे बैठ के, और दूसरे महात्मा इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे। तो नारद जी से दोनों ही महात्माओं ने पूछा, महाराज हम लोग घर द्वार छोड़ के आए हैं, राम राम कर रहे हैं, हमको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कब होगा? नारद जी बोले ठाकुर जी से पूछ के आएंगे तब बताएंगे। तो नारद जी गए वैकुंठ भगवान से पूछा, तो भगवान ने बट वाले महात्मा को कहा, वो महात्मा को कह देना कि बट वृक्ष में जितने पत्ता है ना उतने जन्म लेकर भजन करना पड़ेगा, तब जाके मेरा दर्शन होगा, लगे रहो भजन में। और इमली वाले को कहा कि इमली में जितने पत्ता हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे, और उतने जन्मों तक भजन करना पड़ेगा तब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होगा। अब बट में ज़्यादा पत्ता होते हैं कि इमली में? इमली के तो बहुत छोटे छोटे पत्ता होते हैं, उनमें गिनती नहीं। महाराज जी जो बटवाला था ना, वो बटवाला उसने अपना दंड कमंडल वहीं छोड़ा, बोले हम तो घर जा रहे हैं, हमको भजन वजन नहीं करना। बाजी वाह, इतनी लंबी प्रतीक्षा इतने जन्मों तक? हम तो घर का काम करेंगे, संसार का सुख भोगेंगे, चला गया, भजन छोड़ दिया उसने, चला गया वो। और जो दूसरा था उसको जब नारद जी ने बताया तो इतना सुनते ही वो करताल बजा बजा कर नाचने लग गया, बोले अरे भाई अब तक कितने जन्म ले चुके हैं, इस इमली में उतने पत्ता ही कहाँ हैं जितने जन्म ले चुके हैं, बहुत जन्म ले चुके हैं, कम से कम ठाकुर जी का आश्वासन तो मिला कि हम आएंगे, इस एक इमली में नहीं इस धरती पर जितनी इमली हैं उनमें जितने पत्ते हैं उतने हजार बार जन्म हमको लेना पड़े फिर भी भगवान मिल जाए तो हम समझेंगे बहुत सस्ता है, भगवान बहुत जल्दी मिल गए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। नाचने लग गया आनंद में भर के, कम से कम ठाकुर जी ने कहा तो सही कि हम आएंगे दर्शन देंगे। इसलिए मीरा जी कहती हैं, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आप न आवे लिखी ना भेजे, बाण परी ललचावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई तो एक बार कह दे कि प्रभु आ रहे हैं। महाराज जी विचित्र घटना घटी, वो नाचने लग गया और नारद जी सोचे तो पगला गया। क्यों? नारद जी ने सोचा कि ज्यादा सदमा बैठ गया, पागलपन में नाच रहा है। लेकिन अभी नारद जी ऊपर तक उठे ही नहीं पाए थे तब तक साक्षात भगवान सामने आ गए, प्रकट हो गए। भक्त निहाल हो गया दर्शन करके, और नारद जी थोड़े नाराज हो गए भगवान से,
कहा महाराज आपने ही हमको बताया था और हमने आपका संदेश यहाँ तक पहुँचाया। अरे दर्शन देना ही था तो हम थोड़ा दूर चले जाते, तब हमारे उपस्थिति में दर्शन न देते, हमको ही आपने झूठा साबित कर दिया। भगवान हंसने लगे, बोले नारद जी हमने इन दोनों साधकों के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए और इनके इनका भजन में कितना उत्साह है ये परीक्षा लेने के लिए हमने भेजा था, पर इसके चित्त में बहुत धैर्य है और बहुत संतोष है, इसलिए मेरी प्राप्ति इसको जल्दी होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पार्वती जी ने क्या कहा, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊं संभूनत रहूं कुमारी। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊं संभूनत रहूं कुमारी। बरऊं संभूनत रहूं कुमारी, बरऊं संभूनत रहूं कुमारी। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या पार्वती जी को कोट जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़ी? ये भीतर से निश्चय होते ही कि भले ही करोड़ कल्प ही क्यों न लग जाएं, मैं प्राप्त करूंगा तो भगवान के ही चरण कमल प्राप्त करूंगा, ये निश्चय हो जाएगा तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसी जन्म में। ये निश्चय होना आवश्यक है, इसलिए साधक को कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। शरीर भले ही जर्जर हो जाए पर उत्साह कभी वृद्ध नहीं होना चाहिए, उत्साह हमेशा 15-16 वर्ष का बना रहना चाहिए। हमारे इतिहास पुराण धर्म शास्त्र समुद्र के समान हैं, और ये संत सदगुरुदेव बादल के समान हैं, ये इसी शास्त्र रूपी सिंधु पर मंडराते रहते हैं, पर शास्त्र की सब बातें हम सीधे सीधे पचा नहीं सकते, इसलिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, जो हमारे लिए लाभकारी हैं, उनको वे अपने में संजो लेते हैं और फिर अपनी वाणी के माध्यम से बरस जाते हैं, तो जो जीव उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इससे एक बात सिद्ध हो गई, ध्यान दें, किसी पुस्तक में पढ़कर साधन मत करो, प्रामाणिक तो वेदादि से प्रमाणित तो होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन स्वयं किसी पुस्तक को पढ़कर साधन मत करने लग जाओ। नहीं, कोई भी साधन करना हो सदा सर्वदा गुरुजनों से पूछ कर उनकी अनुमति प्राप्त हो जाए वही साधन करना। स्वल्प से स्वल्प साधन आचार्यों की गुरुजनों की आज्ञा से जब किया जाता है तो उन गुरुजनों की महापुरुषों की संतों की आज्ञा में इतना बल होता है कि उनकी आज्ञा के बल के कारण भगवान की प्रचंड माया उसमें विक्षेप पैदा नहीं करती है, उस साधन में कलिकाल भी उस साधन में विक्षेप पैदा नहीं करता है। और जब हम उसे अपने मन से करेंगे तो माया भी विक्षेप करेगी, कलयुग भी विक्षेप करेगा, और हो सकता है हम अपने लिए हितकारी समझ रहे हों और वही हमारे लिए अहितकारी हो जाए, किंतु महापुरुषों की आज्ञा से जब हम उसमें लगते हैं तो निश्चित ही हमें निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए अपने मन से साधन नहीं करना। धन्य है। एक घटना आपको सुना दें, हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराजी वाले बाबा सरकार, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया था और हमारे ब्रज की ऐसी विभूति थे
कि कोई भी ब्रज में महापुरुष जाता था तो उनका दर्शन अवश्य करता था, ऐसा जीवन था। आप लोगों ने भी किया होगा दर्शन, दास ने तो अनेकों बार दर्शन किया उनका, अद्भुत महापुरुष थे। महाराज जी ऐसी रहनी दिखाई नहीं पड़ती, ऐसी रहनी थी। भगवान को छोड़ करके आधे निमिष के लिए भी संसार का चिंतन नहीं था, आधे आधे निमिष के लिए। संसार में रहते हुए संसार से सर्वथा असंग उनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। उनकी साधु में साधुता, एक पुस्तक गीता प्रेस से भी प्रकाशित है, साधक में साधुता पढ़ने योग्य है। अपना संपूर्ण जीवन कंचन कामनी से के आकर्षण से मुक्त तो था ही, इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। ऐसे मान उच्च कुट के संत तो महाराज उनके जीवन की घटना, उनका साधन विचित्र था। रात्रि को 12 बजे वे स्नान करके भजन में बैठ जाते थे और रात्रि को 8 बजे सो जाते थे, और 11-11.30 बजे जग जाते थे, और फिर 2.5-3 घंटे ही विश्राम करते थे, फिर वो बैठ जाते थे साधन में पूरी रात नेत्र खोल करके, तब जप करते थे। और प्रायः सवेरे 8-9 बज जाता था, रात्रि को 12 बजे से दिन का 8-9 बज जाता था एक आसन से बैठकर भजन करने में, और जब तक वो उनका साधन पूरा नहीं होता तब तक वो बैठे ही रह जाते। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो सवेरे 8 बजे उठते थे, उठे नहीं, और दिन के 2.5-3 बज गए, दिन के समय से ही कुछ भिक्षा ग्रहण करते थे, आज कुछ नहीं। तो उनकी सेवा में रहने वाले महापुरुष, अब उनका भी शरीर नहीं, बहुत अच्छे संत थे मास्टर बाबा श्री रामदास जी महाराज, उन्होंने पूछा कि जय जय आज इतना विलंब कैसे हुआ, आज तो आपका कुछ भी नहीं हो पाया, अब समय निकल गया तो महाराज को कुछ लेना नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज साधन में विक्षेप हो गया। क्या विक्षेप हुआ? तो नाम स्मरण करते करते भगवत व्याकुलता इतनी बढ़ी, विह्वलता इतनी बढ़ गई कि बीच बीच में वे रोते जाएं, और पंडित जी कहते थे हे प्राण वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, हम आपसे पूछते हैं कि आप भजन करने बैठो और प्रेम बढ़े और हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, हे प्राण वल्लभ ऐसे शब्द आपकी वाणी से निकलें तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ये तो भजन का फल है। पर पंडित जी ने कहा इन नामों को जपने की आज्ञा सद्गुरु भगवान ने नहीं दी थी, सद्गुरु भगवान ने जो नाम जप की आज्ञा दी उसमें यदि कोई दूसरा आ गया तो वो विक्षेप है। ये थी उनकी गुरु निष्ठा, इसलिए बोले जब आ गया तो फिर उसको शुरू करो, फिर शुरू करो, इसी में उनको इतना समय लग गया। इसका मतलब है साधन भले ही उत्कृष्ट हो पर अपने मन से नहीं करना, गुरुजनों की आज्ञा से साधन करना। इसलिए कभी भी कोई आकर हमसे पूछता है तो हम यही बात कहते हैं आप अपने सद्गुरु भगवान से पहले इसकी आज्ञा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर आज्ञा दे देंगे तो बस फिर हो, समझ लो काम हो गया, पूरा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए संत बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। तो अब एक और प्रश्न हो गया कि नारद जी तो स्वयं ही संत हैं, उनको भला दूसरे संत की क्या आवश्यकता है? भैया वैद्य सबको स्वस्थ बनाता है, इलाज करता है, पर डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है तो दूसरे डॉक्टर का इलाज लेता, अपना इलाज नहीं लेता।
और दूसरे डॉक्टर को दिखाता है। इसका मतलब है संत की भी समस्या का समाधान कोई संत ही करेगा। संत को भी साधन चाहिए तो अपने मन से नहीं, उनको भी साधन कोई संत ही बताएगा। आहा, हमारे महाराज जी का अभ्यास था कि कोई उनके पास आता था और कहता महाराज हमको बाबा जी बना दो, महाराज बाबा जी नहीं बनाते, कहते रहे आओ देखा जाएगा जैसी राम जी की इच्छा, रहे आओ। अब कितने साल तक रहे आओ इसका भी कोई पता नहीं, रहे आओ। तो महाराज जी एक लड़का आया, ब्राह्मण बालक था, खूब सेवा करता था, सेवा में बड़ी रुचि थी, जवान था और खूब सावन भादों में वृंदावन में भंडारे खूब होते, खूब खीर मालपुआ खाया, खूब लड़ुआ कचौड़ी खाया, दक्षिणा ऊपर से कपड़ा ऊपर से, बड़ा खुश हुआ। अरे बोले गुरुजी हमें क्या पता था इतनी मौज है महात्माओं में, हम तो महात्मा ही बन जाते, अब जल्दी करो हमको बाबा जी बना दो। महाराज जी हंस के रह जाते कि हाँ ठीक है रहे आओ। अभी आया आया ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, अब महाराज खूब भंडारे जो खाए थे ना वो क्वार महीना लगते ही आया, तेज का बुखार, जोर का बुखार आया, मलेरिया जोर का बुखार आया। जब बुखार आया तो महाराज जी बोले कि इलाज तो इसका कराएंगे पीछे, अभी कोई जाना मत पास में, अभी कोई पास में नहीं जाना, थोड़ी देर चिल्लाने दो, बाद में इलाज तो कराना ही है। तो वो बोला कि हे भगवान बाबा जी लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, जब तक हम ठीक थे सेवा करने लायक थे तो नंद किशोर नंद किशोर नंद किशोर नंद किशोर, जब देखो तब नंद किशोर, अब नंद किशोर मर रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं, जाड़ा लग रहा है और कपड़ा उड़ा दो डॉक्टर के पास ले चलो। अब महाराज जी सुन रहे हैं कोई जाना नहीं अभी। फिर वो बोला कि हम घर होते ना तो मैया लाख काम छोड़ के मुड़ पे हाथ धर के कहती बेटा कैसी तबीयत है, ताप उतरी कि नहीं उतरी, बुखार उतरा कि नहीं उतरा, पिताजी परेशान होते, डॉक्टर को बुलाते या डॉक्टर पे ले जाते। अरे राम राम साधुओं में दया नहीं होती, स्वार्थी होते हैं साधु। राम राम तो मर गए, अरे हम तो मर गए, अरे हम तो मर गए। महाराज जी बोले आप डॉक्टर को बुलाओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और तो बुखार था ठीक हो गया, इंजेक्शन वगैरह लगा ठीक हो गया। ठीक होते ही महाराज जी बोले घर चले जाओ। क्यों? कहे तुम साधु बनने योग्य नहीं हो, वो तो खीर मालपुआ खाने का वैराग्य था, लड़ुआ कचौड़ी खाने का वैराग्य था। साधु वही बने जो चाहे जितनी विपत्ति आ जाए संसार का चिंतन न हो। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, अब संसार से लेना देना क्या है, अब ये संत ही हमारे सगे संबंधी, माता कहो पिता कहो भाई कहो बंद कहो, सब कुछ यही है, अब इनको छोड़ के हमारा क्या है। सुख में हैं तो इनके चरणों में रहेंगे, दुख में हैं तो इनके चरणों में रहेंगे, इनको छोड़ के ठाकुर जी को छोड़ के हमारा अपना कौन है। ऐसा भाव पक्का हो जाए वही है साधु। आफत आई और हम घर भाग जाएंगे, नहीं महाराज बोले अब घर ही जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते, पहुँचा ही दिया। अब घर गया तो वहाँ महाराज जी हल्ला मच गया था कि तो बाबा जी बन गया, तो ब्याह की मुश्किल हो गई, बाबा जी नहीं बना था खाली दीक्षा लिया था, अब ब्याह की मुश्किल हो गई। यहाँ महाराज ने नहीं रखा, वहाँ घर वालों ने कहा तो तुम्हारा भैया नाम है तुम भगत जी है गए, अब तुम्हारा ब्याह तो मुश्किल है। तो बड़े भाई की ससुराल में जाके कहा कि भाई हमारा कुछ करो प्रबंध, अब हम वहाँ तो जाएंगे नहीं, ब्याह हमारा कराओ। तो बड़े भाई के ससुर ने कहा कि देखो अब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, मुफ्त का खाने का अभ्यास हो गया, हमारे घर में साल भर खेती करके दिखाओ कमा के मेहनत से,
तो हम हमारी एक बेटी और हम दे देंगे तुमको, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो साल भर वहाँ हल हाँकना पड़ा, परिश्रम करके खूब कमाया। बोले हाँ ठीक है, घर में खेती है, बेटी हमारी भूखी नहीं मरेगी। तब जाके साल भर खेती, ब्याह के पहले ससुराल में साल भर खेती करनी पड़ी, तब ब्याह हुआ। तो भैया वैराग्यवानों के लिए तो सन्यास सुखदाई है, वैराग्य सुखदाई है, पर जिनका वैराग्य ढुलमुल है उनके लिए तो भारी दुखदाई है, उनके लिए अच्छा नहीं है ये। भगवान ने एक फल दे दिया, बोले ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, सत्य भाषण करे, एक बार भोजन करे, रोज ब्राह्मणों को दान करे, कथा सुने, अच्छे कर्म करे, तो 3 पुत्रोति निर्मला, बड़ा सुंदर पुत्र होगा। पत्नी को दे दिया, पत्नी ने खाया नहीं, घर में गाय भी बांझ थी उसको खिला दिया, और दूसरे के पुत्र को लेकर अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया। पंडित जी भोले भाले थे, उन्होंने अपना ही पुत्र समझा। नामकरण संस्कार के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने मना कर दिया, पेट में रखा 9 महीने हमने, नामकरण करने चले आए, ब्राह्मण कोई जरूरत नहीं है, भाग जाओ सब, मेरा नाम है धुंधली, हम अपने पुत्र का नाम खुद ही रख लेंगे, धुंधकारी नाम रख दिया। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, भैया नाम जो है ना किसी महापुरुष के द्वारा रखवाया हुआ नाम हो, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा रखवाया हुआ नाम हो, वही श्रेष्ठ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्माक्षर का विचार करके, राशि का, नक्षत्र का विचार करके तब नामकरण होना, नामकरण एक संस्कार है। एक परिवार में हमारे महाराज जी गए, बोले महाराज जी आपको नाम रखना है इसका, पू अक्षर के ऊपर नाम आया है। महाराज ने कहा बहुत अच्छा, पुरुषोत्तम नाम, ठीक है, रख दिया पुरुषोत्तम नाम। 2-4 साल के बाद फिर वहाँ जाने का अवसर मिला, हम भी साथ में ही थे, तो उस बच्चे को लोग पुल्लू पुल्लू इधर आओ, पुल्लू उधर जाओ। महाराज जी बोले नाम भी रखना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? बोले पुरुषोत्तम को गृहस्थी लोग पुल्लू बना देते हैं, पुरुषोत्तम पुल्लू बन गए। तो नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, मैया के द्वारा रखा हुआ नाम ठीक नहीं, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा। अब तो लोग नेट पर खोज लेते नाम कौन सा होगा, नए नए ढंग के नाम, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं उन नामों का, पवित्र नाम होना चाहिए। श्रोताओं को बड़ा आश्चर्य था कि ये नाचने वाले महानुभाव कौन है। आजकल तो कोई नाचे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अब तो एक तरह की परंपरा चल पड़ी है कथाओं में नाचने की। दिल्ली में एक बैनर पर लिखा था, संगीत में सप्ताह तो लिखा ही रहता है, पर उसमें लिखा था नृत्य संगीत में, भागवत जी की कथा नृत्य संगीत में। तो हमने पूछा, मैंने कि नृत्य शब्द तो पहली बार बैनर पर पड़ा। बोले महाराज ऐसे ही आप चल के देखो, देखो थोड़ी थोड़ी देर में बस जैसे ही बाजा बजता सब जनता खड़ी हो जाती नाचने की, सब नाचते नृत्य संगीत में। तो उस जमाने में कोई कथाओं में नाचता नहीं था, इसलिए लोगों को आश्चर्य हुआ कि नाचने वाले हैं कौन। और आजकल लोग नाचते जरूर हैं, पर ये जो मशीन लेके ये जो खड़े हैं ना कैमरा, इसके सामने लोगों को भाव ज़्यादा जगता है। फिर फोन करके पूछते हैं कि हम वहाँ फर्रुखाबाद में कथा सुन रहे थे, आप देख रहे थे कथा, बोले तो हम नाच रहे थे, आपने देखा कि नहीं देखा? अरे हाँ हाँ आप तो बहुत जोर नाच रहे थे। बस वो सोचते हमारा आना सफल हो गया गंगा जी के किनारे वाली कथा में। भैया हमारी प्रार्थना है, नृत्य अच्छी चीज़ है पर नृत्य प्रदर्शन के लिए नहीं। हम इतने भाव मग्न हो जाएं कि हमें अपने आप का भी होश हवास न रहे, उस समय जो भगवान के प्रेम में विभोर होकर नाचना है उस। 3 महीने बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दे दिया, उनका नाम गोकर्ण हुआ। ब्राह्मणों ने नामकरण किया, गोकर्ण इति चाप्यधात, गोकर्ण नाम रखा।
बड़े होने पर दोनों की प्रकृति में बहुत अंतर आ गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण महान पंडित ज्ञानी हुए और धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। पिता की सारी संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया। पिताजी रो रहे थे। गोकर्ण जी के कान में पिताजी के रोने का शब्द पड़ा। गोकर्ण जी उठ के आए, कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलिते निशम नचेन्द्रस्य सुखं किंचिन न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांतजीविनः। पिताजी संसार असार है, दुख रूपी है, व्यामोह में फंसा देने वाला है। किसका बेटा, किसका धन, किसकी स्त्री, किसका घर, जिसमें आसक्ति है वो दिन रात जल रहा है। स्नेहवान ज्वलिते निशम अनिशम, दिन रात जलता है। दीपक कब तक जलता है? जब तक दीपक में तेल है, घी है। संस्कृत में घृत को, तेल को स्नेह कहते हैं। वो जलना, घी खत्म, तेल खत्म, बत्ती कब तक जलेगी? बत्ती जल के बुझ जाएगी। शरीर संसार, शरीर संसार के संबंधों के प्रति जब तक आपकी ममता रहेगी, आसक्ति रहेगी, तब तक जलना पड़ेगा ही। तब तक आपको जलना पड़ेगा। स्नेहवान ज्वलिते निशम। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन न सुखं चक्रवर्तिनः। आप कहते हम दुखी हैं, आप ही दुखी नहीं हैं, इंद्र भी दुखी है। नचेन्द्रस्य सुखं किंचिन न सुखं चक्रवर्तिनः। चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है। एकांत में भजन करने वाले महात्मा सुखी हैं। देखो तो सही, कभी एकांत में भजन करके देखो, क्या क्या सुख। पिताजी क्यों रो रहे हो? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं
त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी, परम धर्म भागवत धर्म का आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग करो। जो धर्म हमें केवल लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक ही सीमित रखता है, ऐसे धर्म को दंडवत कर लो, नमस्कार कर लो। जो धर्म हमें श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाता, उस धर्म का आश्रय लो। भागवत धर्म का आश्रय लो, वैष्णव धर्म का आश्रय लो।